नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही फेमस पावर सिस्टम का बहुत ही फेमस टॉपिक। कोई भी पावर सिस्टम का आप टॉपिक उठा के देख लीजिए, हमेशा एक न एक क्वेश्चन सैग से जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले सैग। सैग किसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब भी दो ट्रांसमिशन टावर्स के बीच में लाइन को बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको सीधा नहीं रखा जाता, ठीक है ना। एक बीच में ऐसे झुकावट होती है, ठीक है ना, झुलाया जाता है, झुकाया जाता है। उस झुकावट को जो बोलते हैं, थोड़ी सी जो झुकावट होती है, आप देखोगे ऐसे जाती है लाइन, सीधा नहीं जाती, ठीक है। लाइन को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइन को कैसे भेजते हैं, ऐसे, ठीक है, झुक जाते हो। इस झुकाव को जो बोलते हैं, वो बोलते हैं सैग, ठीक है। अब देखिए ये दिया क्यों जाता है, ठीक है। मान लीजिए ट्रांसमिशन टावर पे हम सीधा दे देते हैं। मान लीजिए दो टावर्स हैं, यहाँ पे हम सीधा कंडक्टर को रख देते हैं। देखिए ये पोल भी इसको खींच रहा है, ये पोल भी इसको खींच रहा है, तो इतना टेंशन इसमें इतना बढ़ जाता कि कंडक्टर का क्या हो जाता, ब्रेकडाउन हो जाता, ठीक है। तो कंडक्टर ही अगर टूट जाए, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कंडक्टर को नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, सैग दिया हुआ है बीच में, एक झुकाव दिया हुआ है बीच में, ठीक है। अब इस झुकाव को कितना दिया जाता है, इस झुकाव को दिया जाता है कॉम्प्रोमाइज करके, यानी अब मान लो अगर हम इस झुकाव को इतना ज्यादा दे देते कि जमीन पर ही आ जाता, तो वो भी गलत हो जाता, और इतना कम दे दें कि टेंशन हो जाए इतनी ज्यादा कि टूट जाए, तो ये भी बेकार है। तो इसको इस प्रकार से दिया जाता है कि ये जमीन पे भी ना रहे और टेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहे, तो इतना इस तरीके से झुकाव दिया जाता है, जिसको बोला जाता है सैग। अब ये सैग क्या करता है, ध्यान से देखिए, सैग का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL² / 8T, ठीक है। अब जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, इस फार्मूले में W जो रहता है वो होता है वेट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। L जो होता है वो स्पैन रहता है, स्पैन क्या रहता है, ये बीच का डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन जो रहता है उसको स्पैन बोला जाता है, ठीक है। T इसमें रहता है टेंशन, ठीक है, T इसमें क्या रहता है, टेंशन रहता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, T जब इसमें टेंशन है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सैग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पैन लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंशन के। अब जरा इस फिगर को जरा रिमूव कर दीजिए, अब जरा ध्यान से देखिए, सैग का फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, WL² / 8T, डायरेक्टली पूछा भी जाता है, सैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, ठीक है। अब यहां से पॉइंट्स निकलेंगे, देखिए क्या होगा, वेट अगर कंडक्टर का बढ़ेगा सैग भी बढ़ेगा, ठीक है। वेट, ये देखो ये निशान मैंने चिन्ह बड़े के लिए लगाया है, बढ़ा सैग बढ़ा, यानी कि हैवी अगर कंडक्टर रहेगा, ठीक है, भारी अगर कंडक्टर रहेगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, भारी चालक रहेगा, ठीक है, सैग बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, तो वेट कंडक्टर का इतना ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वेट कंडक्टर का हैवी नहीं होना चाहिए, वेट अगर कंडक्टर का हाई रहा तो सैग इतना हाई हो जाएगा कि बिल्कुल ही नीचे ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं, सैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ बढ़ती है तो सैग भी बढ़ता है, ठीक है, स्पैन का लेंथ बढ़ेगा सैग भी बढ़ेगा स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ के, ठीक है। सैग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेंशन इन कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेंशन अगर कंडक्टर में बढ़ेगा, ठीक है, सैग घटेगा, ठीक है। ये आप किससे अंदाजा लगा सकते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं,
ठीक है, कि टेंशन बढ़ेगा तो सैग किस तरह घटेगा। अब देखिए, यह कोई कंडक्टर था, यह ऐसे झूल रहा है, तो मतलब इसमें सैग ज्यादा है, यानी कि इसमें टेंशन भी कम रहेगा। अब देखिए, अगर मैं सैग को घटा दूं, ठीक है, सैग को घटा दूं, सीधा ऐसे कर दूं कंडक्टर को, तो क्या रहेगा इसमें, टेंशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए खिंचाव बढ़ रहा है, लेकिन सैग क्या हो गया, नील हो गया, ठीक है, सैग खत्म हो गया इसमें। तो टेंशन बढ़ता है, सैग कम होता जाता है, और टेंशन घटता है, सैग बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन भी इसमें अराइज होता है, क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा, ठीक है, कि टेम्परेचर पे सैग का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ सैग, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सैग जब होता, देखिए टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है सैग का, देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है, सबको पता है जैसे तार जो होती है, ठीक है ना, तार जो होती है वो कॉपर की बनी होती है और एल्यूमिनियम की बनी होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है, मतलब मेटल की होती है, ठीक है ना। तो मेटल की होने की वजह से, ठीक है ना, तार मेटल के होने की वजह से क्या होता है हमारे पास, अब सबको पता है मेटल जो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल के होने की वजह से क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, सबको पता है मेटल जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड करता है, ठीक है ना, लीनियर एक्सपेंशन होती है, ठीक है ना, ठीक है, जिससे सैग बढ़ता है, सैग बढ़ जाता है, ठीक है, सैग बढ़ता है, ये नोट्स में लिख लीजिएगा अपने। अब देखिए, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सैग बढ़ेगा, और सैग बढ़ेगा तो टेंशन डिक्रीज होगा, ठीक है। यूथ में क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीटेड, और हर बार आता है ये क्वेश्चन कि सैग को बढ़ाने से क्या होता है, इफ टेम्परेचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, ठीक है, और टेंशन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, सैग बढ़ेगा और टेंशन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है वो, फॉर्मेशन ऑफ आइस। क्या होता है, पहाड़ी इलाके में जो होते हैं उनमें क्या पड़ती है, बर्फ। अब बर्फ पड़ने से क्या होती है, बर्फ बढ़ेगी, मान लो ये कोई तार हैंग कर रही है दो टावरों के बीच में, ठीक है, और मान लो ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होगा, बर्फ भी पड़ेगी, वो बर्फ इसके ऊपर जम जाएगी, तो बर्फ जमने से क्या होगा, इसमें वेट बढ़ जाएगा कंडक्टर का, और वेट अगर बढ़ता है तो सबको पता है सैग बढ़ती है, ठीक है। तो आइस क्या करती है, आइस इंक्रीजेज, पहाड़ी इलाकों में बर्फ क्या करती है, आइस इंक्रीजेज सैग, सैग को बढ़ा देती है पहाड़ी इलाकों की बर्फ, ठीक है, पहाड़ी इलाकों की बर्फ क्या करती है, सैग को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सैग के पॉइंट्स, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना भाई सैग के, ये पेपरों में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये कैटेनरी क्या होता है, आपने देखा होगा जेबी गुप्ता में लिखा हुआ है, सैग आती है तो कैटेनरी शेप बन जाती है, कैटेनरी क्या होती है, देखो कैटेनरी शेप इसी शेप को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ये ऐसे जो शेप आती है ना दो ट्रांसमिशन टावर के बीच में, इसी को बोलते हैं कैटेनरी, ये शेप इसीलिए रखनी पड़ती है, क्यों, सीधा अगर इसको मैंने रख दिया तो भाई कंडक्टर टेंशन की वजह से टूट जाएगा, टेंशन हाई होने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल ही लूज कर दिया तो भाई सड़क तक आ जाएगा। तो हम ना बीच में कॉम्प्रोमाइज शेप लेते हैं, इस कॉम्प्रोमाइज्ड शेप को, यानी समझौता की हुई शेप को, कि ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, ठीक है ना,
सैग ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, एक मीडियम सी शेप ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कैटेनरी। ठीक है, आज तक किसी ने समझाई भी नहीं होगी आपको कैटेनरी, पर लिख देते हैं। तो ये शेप होती है कॉम्प्रोमाइज्ड शेप सैग की, लिख देता हूं सैग की कॉम्प्रोमाइज्ड शेप, कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, सैग की कॉम्प्रोमाइज्ड शेप को ठीक है कैटेनरी बोलते हैं। ठीक है, सैग की कॉम्प्रोमाइज शेप को क्या बोलते हैं, कैटेनरी। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट याद कर लेना, इतने अच्छे सैग पढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद आगे और टॉपिक्स भी करेंगे, कोरोना पढ़ना अभी तो ठीक है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, बंडल कंडक्टर, ऐसे पढ़ा दूंगा ना दिमाग में छप जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ आइस ऑन सैग, इफेक्ट ऑफ आइस ऑन, इफेक्ट ऑफ आइस एंड विंड प्रेशर, विंड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब मान लो ये मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, विंड कैसे लगती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल, विंड लगी हॉरिजॉन्टल, यानी हवा कैसी चली, तेज हवा कैसी चली, विंड प्रेशर कैसे लगा, हॉरिजॉन्टल। अब मान लो इस पे आइस डिपॉजिट है, आइस डिपॉजिट है, वेट कंडक्टर का कैसे बढ़ाएगी है वेट को, तो वेट कैसे लगा नीचे। ठीक है, अब इनका फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रहा विंड का इफेक्ट, ठीक है, ये रहा हमारे पास कंडक्टर का वेट प्लस वेट ऑफ आइस। ठीक है, ठीक है, नीचे की तरफ को, अब इसका रिजल्टेंट आएगा इधर को। ठीक है, अब रिजल्टेंट अगर इसका इधर को आया, ठीक है, रिजल्टेंट अगर इसका इधर को आया, ठीक है, रिजल्टेंट अगर इसका इधर को आया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट अगर इसका इधर को आया, तो वेक्टर लॉ ऑफ डायग्राम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं उसकी तरफ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टोटल वेट, टोटल वेट क्या हुआ कंडक्टर का, W प्लस डब्ल्यू आई, यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू यानी इसका स्क्वायर, तो डब्ल्यू डब्ल्यू यानी विंड प्रेशर का स्क्वायर अपॉन वेट ऑफ द कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस का वेट, वेट ऑफ द कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस का स्क्वायर प्लस विंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो गया। तो ये ध्यान रखना भाइयों, ये फॉर्मूले होते हैं, कुछ डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, और इसमें टेंजेंट थीटा निकालना होगा, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा क्या होगा इसमें, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। ठीक है, ये निकल गया भाई हमारे पास टेन थीटा। तो ये कुछ रिलेशनशिप होते हैं, इनको याद रख लेना। आज के लिए थैंक यू। ठीक है, और यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। और यूपीपीसीएल का पेपर ना इस बार फरवरी में होगा, फरवरी तक मैं मशीन करा दूंगा, पावर सिस्टम करा दूंगा, स्विच गियर करा दूंगा, जनरेशन करा दूंगा, ठीक है, और मेजरमेंट करा दूंगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत माइक्रो प्रोसेसर, इतना ही हो पाएगा तब तक। ठीक है, थैंक यू।